जय हिंद। तो आज की वीडियो में हम लोग कवर करेंगे मे और माइट को। इसके पहले मैं मे का यूज अब बता चुका हूँ, ठीक है, लेकिन अभी क्या थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ देखना था मे और माइट में, ठीक है, तो उसको मैं थोड़ा सा यहाँ कवर करूंगा। इससे पहले मैं थोड़ा सा रिकवर कर लेता हूँ जो मैं पीछे पढ़ा चुका हूँ। जैसे आपको मैं कैन पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, कैन पढ़ाया था। कैन माने भी होता है सकता है, ठीक है, मे माने भी होता सकता है, और माइट माने भी होता है सकता है, यानी कि तीनों को पहले समझ लो तब फिर आगे बढ़ते हैं। देखो कैन, एक कैन है, दूसरा मे है, और तीसरा माइट है, ठीक ना, MIGST माइट है। इन तीनों का मतलब होता सकता है, क्या होता है, सकता है। जब भी वाक्य में सकता है शब्द का प्रयोग किया जाएगा तो इन तीनों में से कोई एक लगेगा, लेकिन कब कब लगेगा मैं आपको बता चुका हूं अगले वीडियो में ही मे और कैन के बारे में, लेकिन आपको अब माइट आ गया तो तीनों एक साथ को चलो समझ लेते हैं। देखो यहां पे कैन का मतलब होता है सकता है, ये पावर के लिए यानी शक्ति के लिए आता है, किसके लिए आता है, शक्ति ताकत के लिए, शक्ति के लिए आता है, किसके लिए, शक्ति के लिए, या फिर कह सकते हैं ताकत के लिए, या फिर कह सकते हैं क्षमता के लिए, समझ में आ रहा है। जब वाक्य में शक्ति ताकत क्षमता की बात की जाएगी बहुत तो कैन लगाइएगा, सकता है किसके लिए, ठीक। लेकिन जब संभावना की बात की जाएगी तो संभावना में आप इन दोनों का प्रयोग करेंगे, किसका, मे का भी और माइट का भी। लेकिन कंफ्यूजन यहां बच्चों को यह होता है कि सब कब मे लगाएंगे कब माइट लगाएंगे, तो इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ दिमाग में एक चीज रखना है कि मे का प्रयोग अधिक संभावना के लिए, किसके लिए, अधिक संभावना के लिए। अब माइट का प्रयोग जो होता है थोड़ा इससे इसके अपेक्षा ये थोड़ा कम संभावना के लिए होता है, समझ में आ रहा कि नहीं। मे का प्रयोग अधिक संभावना के लिए, माइट का प्रयोग कम संभावना के लिए। और एक बात और दिमाग में नोट रखिएगा, माइट का प्रयोग सिर्फ संभावना के लिए, किसके लिए, सिर्फ संभावना के लिए माइट का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जो मे है इस मे का प्रयोग तीन चीज के लिए किया जाता है, एक तो संभावना, दूसरा परमिशन माने अनुमति, अनुमति के लिए, और तीसरा क्या होता है इसके लिए, आशीर्वाद के लिए, किसके लिए, विश के लिए, कामना के लिए, किसके लिए, कामना के लिए या फिर इच्छा के लिए, कामना के लिए या फिर इच्छा के लिए। इन सभी के लिए किसका प्रयोग होगा, मे का प्रयोग होगा, किसका प्रयोग होगा, मे का प्रयोग होगा। लेकिन माइट का प्रयोग सिर्फ किसके लिए होगा, माइट का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ संभावना के लिए होगा, लेकिन मे का प्रयोग जो है आपका संभावना के लिए भी होगा, अनुमति के लिए भी होगा, कामना के लिए भी होगा, इच्छा के लिए भी होगा। यानी कि मे का प्रयोग संभावना, अनुमति, कामना, इच्छा सभी के लिए होगा, लेकिन माइट का प्रयोग जो है सिर्फ और सिर्फ संभावना के लिए होता है। तो ये होता है बेसिक डिफरेंट मे और माइट में, ठीक है। अब चलो हम बारी बारी से मे और माइट के बारे में सीख लेते हैं कैसे कैसे हम इनका प्रयोग करेंगे। राइट, चलो यहाँ पे देख लेते हैं मे और माइट का प्रयोग कैसे करेंगे। जब वाक्य में सकता है शब्द का प्रयोग किया गया हो और संभावना की जब बात होती है तो मे और माइट का प्रयोग करेंगे। लेकिन मे के साथ जो है इच्छा भी शामिल होता है, और जो है क्या, परमिशन के लिए, इच्छा के लिए और परमिशन के लिए, ठीक ना। ये तीन जगह काम करता है, संभावना, इच्छा, परमिशन के लिए, और ये सिर्फ और सिर्फ संभावना के लिए। बात सबको क्लियर हो गई। जैसे वह घर जा सकता है, ये सेंटेंस आपका, लेकिन दिक्कत ये है कि भाई किसके किसके साथ मे का प्रयोग करेंगे, किसके साथ जो है माइट का प्रयोग करेंगे। तो सभी सब्जेक्ट के साथ जो है यही लगता है, यानी कि जो मॉडल्स वर्ब होते हैं उसमें कोई दो राय नहीं होता है कि एक वचन के साथ क्या लगता है, बहुवचन के साथ क्या लगता है। यही मॉडल वर्ब का जो है खासियत है कि इसमें कोई दो राय नहीं होता, सबके साथ एक ही चीज लगता है। तो ये मॉडल वर्ब है, तो आपको दिमाग में रखना है मे और माइट सभी के साथ आएंगे, ठीक है। तो देखो जब वाक्य में अधिक संभावना की बात होती है, जैसे वह घर आ सकता है, क्या हुआ, घर आ सकता है, अगर संभावना अधिक है, ठीक है, आप मे लगा देना, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा संभावना कम दिखाई देती है तो आप माइट लगा देना। यू कैन फ्री, आपको जैसा मतलब जैसा आपके साथ सामने सेंटेंस आएगा उसी हिसाब से आप लोग बोल सकते हैं इस सेंटेंस में, ठीक है। तो आप दोनों का प्रयोग कर सकते हो, या तो मे लगा देना या फिर माइट लगा देना अगर संभावना। जैसे वह घर जा सकता है तो वह की स्पेलिंग ही होगा। अब उसके यहाँ पे चाहे मे लिख दो या फिर क्या लिख दो, चाहे माइट लिख दो,
समझ में आ रहा, चाहे मे लिखो चाहे माइट लिखो, तो ही मे या फिर ही मे, माइट गो टू हाउस, सबको क्लियर? कोई डाउट है? सकता है शब्द आएगा, मे और माइट लगाना किसके लिए? संभावना के लिए, किसके लिए? संभावना, संभावना के लिए मे और माइट का प्रयोग करते हैं। ये मे जो होता है अधिक संभावना के लिए, माइट जो होता है कम संभावना के लिए होता है। मे का दो पॉइंट और याद रखिएगा कि ये इच्छा को, इच्छा व्यक्त करने के लिए भी आ सकता है, और ये कामना जिसे वो इच्छा को ही कामना कहते हैं, और अनुमति के लिए, किसके? अनुमति के लिए, अनुमति के लिए। जैसे अब इच्छा और अनुमति की बात यहाँ सीख लो, तो देखो मे का प्रयोग कैसे इच्छा और अनुमति के लिए करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग अनुमति के लिए देखते हैं, जैसे मे आई कम इन सर, क्या बोलते हैं? मे आई कम इन सर, ठीक ना, ये सेंटेंस बोलते हैं ना, मे आई कम इन सर। तो यहाँ पे देखो अनुमति मांग रहे हैं किससे? अपने टीचर से अनुमति मांगा जा रहा है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, ठीक है। लेकिन आप कभी भी यहाँ पे माइट का प्रयोग नहीं करिएगा कि माइट आई कम इन सर, नो दिस इज रॉन्ग। आपको सिर्फ मे का प्रयोग करना है, कि मे का प्रयोग जो है अनुमति के लिए भी आता है, और मे का प्रयोग इच्छा के लिए से मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग। अब देखो यहां मे यू लिव लॉन्ग, इट मीन्स ये हुआ कि यहां पे जो है इच्छा व्यक्त की जा रही है कि आप अधिक दिन तक जियो, क्या आप अधिक दिन तक जियो, मेरी इच्छा है कि आप अधिक दिन तक जियो। इसका हिंदी क्या होगा? आप अधिक दिन तक जियो या तुम अधिक दिन तक जियो। तो जहां पे इच्छा की बात होगी, क्या हो जाएगी? इच्छा की बात। और यहां पे किसकी बात हो रही है? यहां पे अनुमति की बात, अनुमति की बात। जहां पे इच्छा की बात होगी या फिर अनुमति की बात होगी या फिर संभावना की बात होगी, वहां मे लगेगा। लेकिन कम संभावना की जब बात होती है तो वहां क्या लगता है? माइट लगता है। आई थिंक सबको ये क्लियर हो चुका होगा कि मे और माइट का प्रयोग हम लोग किस तरह करेंगे सेंटेंसेस में। बात सबको क्लियर? कोई डाउट, एनी डाउट अगर होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए अपने डाउट्स को क्लियर करने के लिए। मैं अगले वीडियो में इस जो है डाउट को मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अब चलो यहाँ पे चलो देखते हैं मे हैव और माइट हैव में क्या मतलब होता है। देखो इन दोनों का मतलब होता है सकता था, इन दोनों का मतलब होता है सकता था, लेकिन पास्ट में जब ये रहेगा और संभावना के लिए रहेगा, किसके लिए? संभावना के लिए, संभावना के लिए। जितना डिफरेंस मे और माइट में था, यानी सकता है के लिए मे और माइट में था, वही डिफरेंस जो है आपको सकता था में मे हैव और माइट हैव के लिए आएगा। बात क्लियर? यानी कि संभावना का जब बात होगी तो मे हैव या माइट हैव दोनों में से किसी एक को लगाइएगा। अधिक संभावना के लिए मे हैव करिएगा, कम संभावना के लिए माइट का करिएगा। लेकिन जब इच्छा की बात की जाएगी तो वहां पे जो है आप लोग मे हैव ही क्लियर कीजिएगा। अगर जो है अनुमति की बात की जाएगी तो वहां पर जो है आप लोग क्या लगाएंगे? मे हैव का ही प्रयोग करेंगे, ठीक है। लेकिन इनके साथ बाऊ, इनके साथ आप लोग मॉडल वर्ब के रूप में अगर इनका प्रयोग करते हैं तो आप हमेशा याद रखिएगा, जहां भी मॉडल वर्ब के साथ हैव प्रयोग कर दिया जाता है वहां पर आप लगभग मान के चलेगा कि वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज होता है। बात क्लियर? कोई डाउट है? नहीं। तो यहां पे कभी भी जब मॉडल वर्ब के साथ, ठीक है, मॉडल वर्ब के साथ अगर हैव का प्रयोग कर दिया गया है तो आप अपने आप में निश्चिंत हो जाइएगा कि यहां पर थर्ड फॉर्म लग सकता है, ठीक है। जैसे सेंटेंस आप देख लो कि जब वाक्य में सकता था का शब्द का प्रयोग किया गया होता है और वाक्य में संभावना व्यक्त होती है तो वहां पे मे हैव या माइट हैव का प्रयोग करते हैं। जैसे वह, जैसे बारिश हो सकती थी, बारिश हो सकती या वर्षा हो सकती थी, वर्षा हो सकती थी, वर्षा हो सकती थी, ठीक ना। तो वर्षा हो सकती थी तो इसके लिए हम लोग लगाएंगे इट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट हमको नहीं पता है तो यहाँ पे इट का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पे मे हैव का प्रयोग करो या फिर जो है माइट हैव का प्रयोग करो, बस आपको सेंटेंस में थोड़ा सा अंतर देखने को ये मिलेगा कि अगर आप मे हैव का प्रयोग करते हैं तो संभावना अधिक बन जाएगी, और जो है माइट हैव का प्रयोग करेंगे संभावना बहुत कम बन जाएगी। तो इट मे हैव, देखो जो वर्षा होना की स्पेलिंग रेन होता है, रेन होता है, और इसमें ईडी जोड़ देंगे थर्ड फॉर्म हो जाएगा, तो इट मे हैव रेन्ड, क्या हो जाएगा? इट मे हैव रेन्ड। चलो मैं एक सेंटेंस और लिख देता हूं, पिताजी घर आ सकते हैं, पिताजी घर आ सकते हैं, आ सकते हैं,
क्या पिताजी घर आ सकते थे, क्या पिताजी घर आ सकते थे। देख सकते हैं सकते थे शब्द का प्रयोग यहाँ भी किया गया है, सकते थे शब्द का प्रयोग यहाँ पर भी किया गया है, तो आप मे हैव या माइट हैव का प्रयोग करेंगे। लेकिन आपको इसके पहले मैं वीडियो में बता चुका हूँ सकता है और सकता था के लिए भी, सकता था के लिए आप जो है कुड हैव का भी प्रयोग करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सकता था संभावना की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, संभावना की बात हो रही है, तो यहाँ पे हम लोग मे हैव या माइट हैव का प्रयोग करेंगे। पिताजी के लिए स्पेलिंग लगेंगे द फादर, क्या द फादर, F-A-T-H-E-R, द फादर। यू आर फ्री, यू कैन यूज मे हैव और माइट हैव, आप कुछ भी कर सकते हो, चाहे मे हैव यूज करो या फिर माइट हैव का प्रयोग करो। तो यहां पे चलो हम फिर माइट हैव का प्रयोग करते हैं, माइट हैव का प्रयोग कर देंगे। माइट हैव का प्रयोग करने के बाद यहाँ पे आना की स्पेलिंग होता है कम, कम का थर्ड फॉर्म भी होता है कम, कम केम कम, कम का थर्ड फॉर्म भी क्या होता है कम होता है। तो क्या लिखेंगे, फादर माइट हैव कम टू टू, कम टू हाउस, क्या कम टू हाउस, चाहे आप कम टू हाउस कर दो या फिर कम होम, क्या कम होम, आप होम के पहले टू का प्रयोग नहीं करते हैं। तो आई थिंक आप सबको ये सब समझ में आ गया होगा कि माइट हैव और मे हैव क्या, माइट हैव और मे हैव क्या होता है, मे और माइट का प्रयोग कैसे करते हैं, कैन और कुड और कुड हैव का प्रयोग किस तरीके से करते हैं। तो आपको सारी बात समझ में आ गई होगी। अब चलो मैं थोड़ा सा फिर से आपको बैक में ले जाकर के पूरी बातों को आपको समझा देता हूं कि कैसे यहां पे हम जो है मे हैव कैन हैव मे कैन और कुड माइट ये सारे में डिफरेंस क्या है, बस थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको बताने की कोशिश करूंगा ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। चलो मैं बात कर लेता हूं पहले कैन की, किसकी, कैन की। अब देखो कैन और कुड, क्या कैन कुड और कुड हैव, कुड हैव, ठीक है। देखो कैन और कुड, कैन कुड और कुड हैव में क्या अंतर है, कैन का मतलब होता है इन तीनों का प्रयोग किसके लिए, शक्ति के लिए, किसके लिए, शक्ति के लिए, किसके लिए, शक्ति के लिए, क्षमता के लिए, किसके, क्षमता के लिए, किसके लिए, पावर के लिए, किसके लिए, पावर के लिए, इन तीनों का प्रयोग करेंगे। लेकिन कैन का प्रयोग सकता है के लिए, किसके लिए, सकता है के लिए। कुड का प्रयोग सका या पाया के लिए, किसके लिए, सका या पाया के लिए, किसके लिए, जब वाक्य में सका या पाया शब्द का प्रयोग किया गया होता है तो आप कुड का प्रयोग करेंगे। लेकिन कुड हैव का प्रयोग सकता था के लिए, किसके लिए, कुड हैव का प्रयोग सकता था के लिए। लेकिन कुड हैव के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा, वर्ब का तीसरा फॉर्म आएगा, कौन सा फॉर्म, लेकिन इन दोनों के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। बात सबको क्लियर हो गई, तो ये किसके, किसके लिए इसका प्रयोग करेंगे, इसका प्रयोग हम लोग करेंगे शक्ति पावर क्षमता योग्यता एबिलिटी के लिए, ठीक है ना। अब चलो बात कर लेते हैं हम लोग जो है इसका प्रयोग कर लेते हैं मे और माइट, मे माइट और मे हैव माइट हैव, क्या मे हैव माइट हैव, इन्हीं के साथ है जो है यहां पे लिख लेते हैं मे हैव और क्या माइट हैव, ठीक है। तो देखो यहां पे मे 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 माइट मे हैव माइट हैव, ठीक है। देखो मे और माइट का प्रयोग होता है सकता है के लिए, सकता है के लिए, इन दोनों का प्रयोग सकता था के लिए, किसके लिए, सकता था के लिए। लेकिन इन चारों का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, इन चारों का प्रयोग हम संभावना के लिए करते हैं, किसके लिए, संभावना, भावना के लिए, संभावना के लिए। लेकिन मे और मे हैव का प्रयोग एक दूसरा एडवांस निकल करके आता है, किसके लिए, अनुमति के लिए, ये अनुमति के लिए भी इनका प्रयोग करेंगे हम लोग, किसके लिए, अनुमति के लिए भी और इच्छा के लिए भी, इच्छा के लिए भी। यानी कि तीन चीज मे के साथ, तीन चीज संभावना अनुमति इच्छा, मे और मे हैव के साथ संभावना अनुमति और इच्छा, लेकिन माइट के साथ सिर्फ और सिर्फ संभावना का प्रयोग करेंगे, लेकिन थोड़ा कम संभावना के लिए इसका प्रयोग करेंगे। तो आई होप आपको सारी बात डिटेल समझ में आ गई होगी। मे हैव और माइट हैव के लिए वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाकी मे और माइट के साथ जो है फर्स्ट फॉर्म, कैन और कुड के साथ फर्स्ट फॉर्म, कुड हैव के लिए जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म। मैं आपको बता दूं कि जितने भी मॉडल्स वर्ब हैं अगर उनके बाद हैव का प्रयोग किया गया, जैसे यहाँ पे कुड हैव, मे हैव, माइट हैव, तो इनके साथ हमेशा भी वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। तो सबको सारी बात समझ में आ गई हो, अगर समझ में आ गया तो चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद, वंदे मातरम।